दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आपको बीएड हरियाणा में एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एमडीयू के फॉर्म अभी निकले हुए हैं, एमडीयू का प्रोस्पेक्टस ये मैंने आपको ओपन कर रखा है। अगर आपको एडमिशन लेना है एमडीयू में तो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, और अगर आपको हरियाणा की किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, गुरुजंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में लेना है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में लेना है, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में लेना है, कहीं पर भी लेना है, तो सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। तो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको समझाएंगे, तो चलिए चेक करते हैं। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट्स के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, बीए में या फिर एमए में, बैचलर में या फिर मास्टर में। लेकिन 2.5% की छूट दी गई है किन कैंडिडेट्स को? एससी, एसटी, ब्लाइंड, विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा। यानी कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप हरियाणा के नागरिक हैं तभी आपको ये छूट मिलेगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से पढ़ाई करने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं तब आपको ये 2.5% की छूट नहीं मिलेगी। अब आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक किया है या फिर एमटेक किया है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जो 50% का क्राइटेरिया था वो बढ़ के 55% हो जाता है, 55% हो जाता है। तो चलिए बीटेक के छात्रों का चेक कर लेते हैं। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स, 52.25% इन केस ऑफ एससी, एसटी, ब्लाइंड, विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। यानी कि ये जो छूट मिल रही है ये सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं बीबी और एमबीए के छात्रों के लिए। नॉर्मली इनको 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर अगेन 2.5% की छूट मिल जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एससी, एसटी, ब्लाइंड, विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के। देन फिर लास्ट में चेक करते हैं हम एमसीए और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। बीसीए एमसीए विद 55% मार्क्स, यानी कि जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए बीएड में एडमिशन लेने के लिए, और 52.25 इन केस ऑफ एससी, एसटी, ब्लाइंड, विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। यानी कि ये अभी तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हरियाणा में एडमिशन लेने का, हरियाणा की सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, चाहे वो सीआरसी उज्जैन है, चाहे डीकृष्ण यूनिवर्सिटी है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, चाहे एमडीयू रोहतक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। तो स्टूडेंट्स बीएड हरियाणा के सभी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।